गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट टॉपिक वही है कल का अंतर, यही चल रहा है। हमने एक बात आपको पहले बताई थी, आज बता रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी व्याख्याएं आना बंद हो गई हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी है आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। आप जाने जो क्वेश्चंस हैं पैरा के 5, 2 नंबर के 10 नंबर जो आते हैं वही आएंगे, उनको बताना है। वो आपको लिखना भी है ढंग से, समझना भी है। इसके पहले आप बुक की व्यवस्था कर लें, हो सकता है हमें बुक से पढ़ाना पड़े उनको, क्योंकि छाटने पड़ते हैं उसमें समय लगता है। ये तो है नहीं कि हमने उतार दिया आपने उतार लिया, तो इसको आप, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये जरूरी नहीं कि पैरा में दिया हो, आपको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा और लेसन देखना पड़ेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये समझिए कि अन्यथा है, ये अन्यथा नहीं है, इसको इसीलिए समझना है। केवल इसकी व्याख्या बन नहीं आएगी, लेकिन इसका नॉलेज नहीं होगा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे क्वेश्चन के, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। देखिए बेटा ध्यान से, उसी के आगे प्रकरण जहां से बंद किया था उसी का भी, यह सच है तो अब घर, तो अब लौट चलो तुम घर को, कहके ही कह रहे हैं। चौके सब सुनकर अचल कहके ही स्वर को, क्योंकि कहके के द्वारा स्थित किया गया था सारा, जितना भी स्थितियां अयोध्या में खराब हुई थी मात्र कहके के कारण। तो वो भी आई थी साथ में, सभा में बैठी हुई थी, साथ सुनती रही सब, और अब वो बोली क्या कहती है, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनी उन्होंने, भरत को जब उन्होंने गले में लगाया और ये बताया कि भरत के भावनाओं के अथाह सागर है, इसकी था किसी को नहीं पता। यहां तक उन्होंने कहा कि इसकी माता ने इसने जन्म दिया, उस माता भी ने भरत के अपने पुत्र को जन्म दे करके भी उसकी गहराई नहीं जान पाई। उसी के आगे तब कहके बोलती है, ये भाव है, अब कहके कह रहे हैं कि हे राम, अगर ये सच है जो आप कह रहे हैं, ये सच है तो बेटा मैं निवेदन करती हूं कि आप वापस अयोध्या लौट चले, मैं तुम्हें लेने आई हूं, मनाने आई हूं। चौथे से सुनकर अचल कह के ईश्वर को, अचल मन सदैव अपनी विचारों अपनी बातों पर अटल रहने वाली है, कभी किसी को सुनने वाली है। जब ये बोली तो जो वहां समुदाय बैठा हुआ था, सारी सभा बैठी हुई थी जो अयोध्या से आई थी श्री राम की पर्णकुटी के आगे, वो सब चौंक गई, चौंक पड़े। अचल कहके ईश्वर को कहके ही की आवाज को सुनकर, अटल रहने वाली कहके ही, उन्होंने सोचा ये तो कहके ही सदैव अटल रहने वाली है, और आज ये कह रही है राम से कि घर वापस लौट चलो, ऐसी बातों को सुनकर आश्चर्य पड़ करके सब चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, जितना जन समुदाय वहां था, सभा के लोग थे, सारे लोगों ने अचानक कैकेयी की तरफ देखने लगे कि कैकेयी क्या, कैकेयी बोल रही है, ये कैसा परिवर्तन हो गया, इन्हीं के द्वारा सारा यह कार्य हुआ, पिक्चर हुआ, और आज ये कैसे बदल गई। तो इसलिए वार्चर होकर के सारे लोग कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैदम पर तुषारा बता यथा दुख लिखा, तो वैदम में माने होता है बेटा विधवा पर, जब स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री विधवा हो जाती है। तुषारा बता माने पाले से ढकी हुई, पाले से ढका हुआ, विदु लेखा माने
चंद्रमा की किरणें ये कहेंगे कैकेयी को देखा, कैकेयी कैसी बच्ची थी, यानी विधवापन में, विधवा के रूप में, लेकिन जैसे पाले से थकी हुई और चंद्रमा की किरण के समान लग रही थी देखने में, था तो विधवापन लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई पाले से ढका हुआ और चंद्रमा की किरणें चमक रही हैं, इतनी सुंदर थी, सुंदरता का वर्णन किया गया, विधवापन में भी सुंदरता चमक रही थी, माने विधवापन में पाले से ढकी हुई जैसे चंद्रमा की किरणें चमक रही हूं, इतनी चमक के तभी थी, बैठी थी अचल तथा अशंक तरंगा, माने अचल एक स्थान पर तटस्थ बैठ गई बैठी थी, फिर भी उसके मन में असंख्य विचार उठ रहे थे, भाव उठ रहे थे, अनेकानेक भाव उठ रहे थे। वह सिंधी अब भी यहां गोम की गंगा, क्योंकि इसका भाव सदैव सिंहनी के समान दिखने वाली, सिंहनी के समान दिखने वाली, बोलने वाली, और आज बदल गई, परिवर्तित हो गई, कैसी हो गई, गोमुखी गंगा। यह आश्चर्य होगा सबको कि जो सदैव एक सिंहनी के समान गरजने वाली तेज, और आज उसमें ऐसा बदलाव आ गया कि जैसे गोमुखी गंगा के समान शांत भाव से दिखाई दे रही थी, बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया। हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कहने लगी हाँ ये बात सत्य है जनकर कि मैंने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया है, मैंने जन्म दिया है, और जन्म देने के बाद भी मैं अपने पुत्र भरत को अच्छी तरह से नहीं जान पाई, नहीं पहचान पाई, उसकी गहराई की था नहीं ले पाई, ये बात बिल्कुल सच है, स्वीकार किया जाए, सब सुन ले तुमने स्वयं भी माना। फिर कहके कह रहे कि सब सुन ले, जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सारे लोग उस बात को भली प्रकार से सुन ले, ध्यान देकर सुन ले, क्योंकि हे स्त्री का बेटा तुमने भी अब इस बात को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। फिर लग करके राम से कहने लगी सारे लोग इस बात को सुन लें, अभी आपने इस बात को स्वीकार किया है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और पढ़ करके चाहे तो लिख भी लेना, समझ लेना इस पर।